हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हो तो क्या आपके दिमाग में ये आया है कि रिएक्ट में इफ एल्स कैसे लिखने हैं, या फिर कंडीशनली मुझे अपने कोड को किस तरीके से लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आते थे जब मैंने रिएक्ट पढ़नी स्टार्ट करी थी कि यार ये कैसे हो रहा है, इसमें कैसे करेंगे। तो बस उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, इफ एल्स कवर करेंगे, स्विच केसेस कवर करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स कवर करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को भी कवर करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं वीडियो, इसमें आपको पूरा कंडीशनल रेंडरिंग, पूरा ए टू जेड आपका कवर हो जाएगा किस तरीके से करना है, ये मेरी गारंटी है। सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक बेसिक सैम्पल एप्लीकेशन बना के रखी हुई है जिसमें हमारी कुछ नहीं है, ऐप डॉट जेएस है। यहाँ पे एक सैम्पल कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, उस सैम्पल कंपोनेंट को कॉल करके रखा हुआ है, और ये जो मेरा सैम्पल कंपोनेंट है इसमें कुछ नहीं है, बस एक हेलो फ्रॉम सैम्पल कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये हमारी ऐप ऑलरेडी रनिंग में है तो इस तरीके से मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है। मान लो मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर मेरे पास एक बटन है जो कि इसको टॉगल कर रहा है, इस बिहेवियर को, ठीक है, तो मैंने बना दिया बटन और बटन का नाम रख दिया टॉगल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरा टॉगल का बटन आ गया। ये मैंने जूम किया हुआ है, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, और ये सेम ही स्टाइलिंग को हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये देखो ये तो सेंटर में ही आ गया। ठीक है, ये इतना सेंटर में नहीं आ पाया, अब वो मैं उतना सीएसएस में नहीं घुस रही कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ, बट आपको दिख रहा होगा फिलहाल, है ना। थोड़ा सा मुझे बटन पे एक चीज और ऑड लगती है, वो ये होती है कि मुझे बटन पे ना कर्सर पॉइंटर चाहिए होता है, तो वो भी डाल लेते हैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो थोड़ा सा यू नो लगेगा कि हाँ बटन पे जा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जब मैं इस टॉगल पे क्लिक करूँ तो इनिशियली जो मेरा कंपोनेंट है वो दिखे नहीं, और जैसे हम टॉगल करें वो दिख जाए, फिर नहीं दिख रहा है तो मतलब अगर विजिबल है तो इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल है तो विजिबल हो जाए, है ना। क्या करेंगे इसके लिए, एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट बनाएंगे इम्पोर्ट यू स्टेट, बेसिक है ना, इतना अभी तक आप सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर आ जाएगा कॉन्स्ट इस टॉगल्ड सेट इस टॉगल्ड, ये हमने एक यू स्टेट बना ली। अब आप देख लो, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये मेरा एक प्लगइन है जो मैं यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमको ये ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस की तरफ से काफी कुछ मिल जा रहा है, तो इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। अब क्या करेंगे, बटन पे सिंपल सा फंक्शन बना सकते हैं, एक ऑन क्लिक। पहले इसका वर्ड रैप व्यू कर लेते हैं, सॉरी वर्ड रैप। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये फंक्शंस मैंने भी आपको बताए नहीं है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कैमल गेसिंग यूज होती है इसमें। ठीक है ना, ऑन क्लिक पे गए तो सेट इज टॉगल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट इज टॉगल्ड। ठीक है, तो यानी कि जो भी टॉगल्ड होगा उसका नॉट इज टॉगल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले कंसोल करके देख लेते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग इज टॉगल्ड, और यहाँ पे गए और फिर इस टॉगल को हमने चेक कर लिया। कंसोल में गए, इस टॉगल फॉल्स है, टॉगल किया ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इस टॉगल को हम यहाँ सैम्पल कंपोनेंट में पास कर सकते हैं, इस टॉगल इज इक्वल टू इस टॉगल। तो ये कैसे पास हो गया, एज अ प्रॉप पास हो गया, याद है ना, स्टेट एंड प्रॉप्स वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको। और इस प्रॉप को हम यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉप से एक्सेस कर सकते हैं ना। फिर से प्रॉप्स चेक करते हैं, प्रॉप्स प्रॉप्स फिर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें इस टॉगल मिल रहा है हमको फॉल्स, फिर से गए, फिर से इस टॉगल हमको ट्रू मिल गया, है ना। यानी कि प्रॉप्स में हमें एक्सेस तो मिल जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, बेसिक अगर आपको ES6 आती हो तो यहीं पे इसकी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, है ना। एक बार स्पेलिंग के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे गलत ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब मान लो अगर हमारा फर्स्ट टाइम हमने इनिशियल तो इसको फॉल्स ही रखा, यानी कि इनिशियली हमारा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी हमारा स्ट्रगल ट्रू होगा तो हमें ये दिखना चाहिए, है ना। अब इसको इफ एल्स में कैसे रैप कर सकते हैं, यहां पे बना लेंगे इफ इज टॉगल्ड तो क्या होगा, ये रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न नल, है ना। सिंपल, रिफ्रेश कर लिया। अभी देखो हमारा इस टॉगल क्या है, अभी फॉल्स चल रहा है तो कुछ नहीं आया, ट्रू हुआ तो आ गया, फॉल्स हुआ तो नहीं आया, ट्रू हुआ तो आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये इफ एल्स का यूज किस तरीके से है। बट ये बड़ा क्लमजी सा मेथड है, मतलब आगे पता नहीं कितने इफ एल्स लगाने पड़े, अब इतने सारे रिटर्न तो आप लगा नहीं सकते हर सिचुएशन के हिसाब से, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना,
अब देखते हैं हम, मतलब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है यूज करने के लिए, फाइन। अब यूज करते हैं हम एक स्विच केस। स्विच केस के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें हटा देते हैं, हमें किसी बटन पे नहीं चाहिए। बेसिकली स्विच केस का मैं सिनेरियो बता देती हूँ। मैं इस सैम्पल कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करूंगी और मुझे चाहिए कि मैं टाइम ऑफ द डे का एक प्रॉप पास करूंगी। मॉर्निंग है तो भाई गुड मॉर्निंग मैसेज डिस्प्ले कर दो, इवनिंग है तो गुड इवनिंग कर दो, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून कर दो, है ना, इस टाइप का कुछ करते हैं। तो बटन की तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, बटन यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला बटन भी यहाँ से हटा देते हैं, है ना, ये यूज स्टेट भी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस टॉगल को भी हटा देते हैं। ओके ये भी गया। ऑल राइट, ये वापस से हम अपने इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गए, है ना। अब स्विच केस में हमको क्या करना है कि मान लो हमने टाइम ऑफ द डे पास किया, तो मान लो मेरा आ गया टाइम ऑफ डे, है ना, इज इक्वल टू, अभी तो मैंने कुछ भी पास नहीं करा है ना। यहाँ पे हम फिर से वही चीज कर लेंगे, डिस्ट्रक्चर करके हमने इसकी एक्सेस कर ली, है ना। अब यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे हम एक स्विच केस बना लेते हैं। देखो अब इसने अपने आप ही बना दिया मेरा, मेरे वाले टूल ने। तो फिलहाल मेरे को एक काम करते हैं, मुझे स्विच टाइम, मुझे थोड़ा सा और इसका अच्छा इंटेलिजेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, केस मॉर्निंग, है ना। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न रिटर्न, और यहाँ पे आगे मुझे रिटर्न करना है गुड मॉर्निंग, है ना, ये रिटर्न करना है हमको इस पे, ठीक है। अब फिर आ जाएंगे आगे इसमें, ये हो गया, अब आ गए। और यहाँ पे मैंने देखे ये सब मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है कि क्या है क्या नहीं था, है ना, उस तरीके से सारा कोड मैंने लिख दिया सारे टाइमिंग्स के लिए, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। तो बस यहाँ पे डिफॉल्ट पे मुझे आपको बताना था कि ये रिटर्न नल करेंगे हम यहाँ पे, है ना। अब इस रिटर्न की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है हमको। अब देखो पहले हमने क्या किया कि रिटर्न को हमने नल किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं करा है, तो ये हमारा डिफॉल्ट केस आ गया, यानी कि रिटर्न नल हो गया। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया टाइम ऑफ द डे में मॉर्निंग, ओके, तो गुड मॉर्निंग आ गया, है ना। फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको दूसरे उसके लिए, आफ्टरनून के लिए, तो हमारा यहाँ पे गुड आफ्टरनून आ गया, है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये ट्राई कर सकते हो। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है, बताओ, पॉज करके सोच रहा है क्या प्रॉब्लम है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है इस कोड में। चलो मैं बता देती हूँ, फिलहाल इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिव है इसको हम बार 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 यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 सेम ही डिव है, उसको क्यों लिखे बार बार, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, फिर से पॉज करके सोचो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। चलो मैं बता देती हूँ फिलहाल कि यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखो मैं ना अब इसको यूज कर लेती हूँ, मैं बार बार नहीं लिखना चाहती, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ आ गया हमारा ये स्विच टाइम ऑफ डे आ गया, केस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, और एक नाइट वाला केस भी कर लेते हैं यहाँ पे, केस नाइट, और ये आ गया ये रिटर्न गुड नाइट, और यहाँ पे आ गया रिटर्न नल, है ना। अब देखो ये हम इसको बना सकते हैं कॉन्स्ट गेट ग्रीटिंग, है ना, ऐसे करके हमने एक फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे इसको हमने एक एरो फंक्शन बनाते हुए इसमें ये सारी चीजें पास कर दी, पूरा स्विच केस हमारा, है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली हमको ये रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, रिटर्न, और यहाँ पे हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं, गेट ग्रीटिंग, और ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया सिंपली, है ना। अब देख लेते हैं इसको किसका क्या आंसर आ रहा है, ये हो गया हमारा, इसमें सारे रिटर्न्स आ गए। अच्छा अभी हमने इसके आगे रिटर्न नहीं लगाया, ओके, इसीलिए रिटर्न नहीं हुआ। अब देखो आ गया ना, फिर से गुड आफ्टरनून आ गया, तो कितना सिंपल हो गया, HTML तो हमने एक ही जगह लिखी, बाकी सारा कोड हमने एक फंक्शन में लिख दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया, है ना। फिर से देख लेते हैं, नाइट देख लेते हैं, तो गुड नाइट आ गया, है ना। तो होपफुली आपको इस चीज का यूज समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, जो कि होती है हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करना। ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अब पहले ये देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ टर्नरी ऑपरेटर टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं ये इस पे देख लेते हैं,
यहाँ पे देखो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का क्या सिंटेक्स होता है, एक इफ एल्स को एक इजी वे में रिप्लेस करने का सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा, फॉल्स है तो मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, या सॉरी रिएक्ट के अंदर, तो ये आपको बहुत काम में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले वाले कोड की तरफ, जो हमने सबसे पहला वाला हम कर रहे थे। तो मैं आपको फिर से एक बार उसको सारा क्लीन अप करके आपको दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज करना है वहां। तो ये देखो, ये हम वापस अपने पहले वाले पे ही आ गए। इसमें क्या हो रहा है, बटन था, कंपोनेंट था, फिर यहाँ पे हम आके इफ एल्स कर रहे थे। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आपको टर्नरी ऑपरेटर देख के समझ में आ ही गया होगा, है ना? तो अब यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आ गए हम रिटर्न करने के लिए। ठीक है, रिटर्न के आगे हमें मल्टी लाइन लिखना, तो हमने ये ब्रैकेट्स लगा लिए इस तरीके के, है ना? अब आ जाएंगे हम यहाँ पे कि अगर हमारा इस टॉगल्ड, अगर हमारा ट्रू है तो फिर हमको क्या रिटर्न करना है, इस डिफ को रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसको भी लिखने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारे इस तरीके के हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, और फिर हम इसके एल्स के केस में हम इसमें से नल रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली इस सबको क्या करते हैं, एक डिव में रैप कर देते हैं। ये सारी चीजों के रीजंस भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल इसको देख लेते हैं हम, है ना? ठीक है, ये हो गया, ये वाला कोड पूरा हम यहाँ से क्लीन अप कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कैसे लिखना है। ये हो गया, ये हमारा डिव आ गया यहाँ से, है ना? अब आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो अभी तो फॉल्स है ना, ट्रू पे फिर आ गया, फॉल्स पे गया, आ गया। अब देखो इसमें एक फायदा और है, इसमें क्या फायदा है कि यहाँ पे आपने इस टॉगल पे ये ले आए, अब मुझे मान लो नीचे कुछ और भी लिखना था वो भी आ जाएगा मेरा। तो मतलब यहाँ देखो सैंपल कंपोनेंट पैरा भी आ गया। यहाँ पे देखो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर लगाने से कितना फायदा होगा, कितना कोड क्लीन लगने लग गया, और हमें यहाँ पे ये बेनिफिट भी मिल गया। तो ये होते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स, और ये कितने सिंपल होते हैं यूज करने में आपने देख ही लिया। बट मुझे एक प्रॉब्लम और लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि यार मैं ये नल भी क्यों डालूं यहाँ पे, मतलब मुझे चाहिए कि इस टॉगल ट्रू हो तो मेरा ये डिव आ जाए, बस मुझे ये नल नहीं लिखना, मैं क्यों लिखूं फालतू में इस नल को, है ना? तो उसके लिए जो हमारे हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सेम एग्जाम्पल ही रखेंगे। हमें क्या चाहिए कि जब हमारा ये ट्रू है तो ट्रू होने के बाद हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करें, सिंपल है ना? तो एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर क्या आता है, ट्रू आता है ना? तो सिंपल बस ये एंड एंड लगा दिया, ये है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, मतलब जब ये ट्रू है तो ये आ गया, और सैंपल कंपोनेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, सिंपली, है ना? तो फिर से चेक कर लेते हैं, देखो है ना सही चल रहा है ना? होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बतानी है, जो आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इस लेफ्ट साइड पे अगर आप कोई नंबर यूज करते हो तो रिएक्ट उसको या जावास्क्रिप्ट उसको बेसिकली एक बूलियन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो बूलियन कैसे हो गए, मान लो अगर मैंने इस टॉगल को हटा के लिखा वन, है ना, तो टॉगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखो ये आ ही रहा है तब भी, है ना? टू लिखा तो भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? कुछ भी नंबर लिखोगे तो यही होगा। लेकिन अब ये तो सब चलो मान लो ट्रू आ गए, लेकिन जो जीरो है वो क्या हुआ, वो फॉल्स हो सकता, वो फॉल्स होता है ना? तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्ट रादर देन कंसिडरिंग दिस होल थिंग एज नल, रिएक्ट क्या करेगा कि इसकी सिर्फ इसमें से सिर्फ जीरो को पिक कर लेगा, यानी कि वो जीरो डिस्प्ले कर देगा, यानी कि उसको नहीं चाहिए कि भाई ये पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट नल हो, तो वो सिर्फ जीरो पिक कर लेगा। तो यहाँ पे अब क्या देखोगे आप, देखो जीरो आने लग गया ना, है ना? अब ये चीज कैसे यूज में है, आप सोच रहे हो कि जीरो तो कौन ही लगाएगा एंड एंड में, नहीं ये जीरो हम ऐसे नहीं लगाते। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मान लो मेरा एक एरे बना हुआ है, और अगर मेरी उस मेरे को उसकी लेंथ चेक करनी है, नॉट दिस टाइप एरे, मेरा कोई भी ए आर आर एरे बना हुआ है, और मुझे मेरे को चाहिए कि जब इस एरे में डेटा हो तो ही मेरा ये ओवरऑल एलिमेंट डिस्प्ले हो। तो हम सोचते हैं कि अगर एरे डॉट लेंथ होगी, यानी कि हम इसको मान के चलते हैं कि एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो होगी और ये होगा तो हमारा डेटा डिस्प्ले होगा, लेकिन जब उस एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं होता और वो लेंथ उसकी जीरो होती है, तो तब क्या होता है बेसिकली ये जीरो ही डिस्प्ले कर देता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कई बार काफी सारी चीजों में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन में कोड लिख रहे होगे, अपने ऑफिस का कोड आप लिख रहे होगे, तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखना। अब इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, भाई मेरे को चाहिए कि मेरे एरे में डेटा हो तभी एलिमेंट डिस्प्ले हो, तो एरे डॉट लेंथ मत लिखना, एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो लिखना हमेशा।
उस केस में ये ठीक से इसको इवेल्युएट करेगा और फिर आपको आंसर मिलेगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये टिप आपके काम आएगी। वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज वीडियो लाइक करना, कमेंट्स में बताना आपको क्या पसंद आया, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताना। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे, और वो होगा हमारा क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज नहीं करना है, आप खुद अपनी रिएक्ट ऐप बनाओगे, है ना। उसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सारी चीजें मैं आपको एकदम एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इन डेप्थ बताने वाली हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।